5.0 बिलिंग सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या सबसे बड़ी गलती लगे, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग। साथ ये जाने वाले आने वाले नॉर्थ सेट 6.0 में किस प्रकार से टॉप रैंक निकालनी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और माय सेल्फ बोझा तुलारिया असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि नॉर्थसेट प्रीलिम्स की बात हो रही है, नॉर्थसेट 5.0 प्रीलिम्स सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ उसके बारे में बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि क्या सबसे बड़ी गलती रह गई, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, क्या एक्सपीरियंस क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। आज हम इस वीडियो में बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं और आने वाले समय में ये गलती जो सुधारेगा उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और इस वीडियो में बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं एस्पिरेंट, और साथ ही साथ ये जानने वाले आने वाले नॉर्थसेट 6.0 में किस प्रकार से टॉप रैंक निकालनी है, साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस किस प्रकार से सिलेक्ट होना है। ये सारी की सारी चर्चा आज मैं आपको बहुत सारे बिल्कुल बारीकियां बताऊंगा। इस वीडियो के लास्ट तक रहना है, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप जल्दी से जाएं और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस चैनल से मिलने वाले हैं बहुत सारे कंटेंट और साथ ही साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। अब बात करते हैं कि ट्रेंडिंग सवाल इस समय सबसे ज्यादा बच्चों के ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्या है। इस समय एक प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और लगभग 20,000 बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं। कितने बच्चे? 20,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और उस क्वालिफाई लिस्ट में आपका नाम नहीं है। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन है, क्योंकि वो लगभग बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर क्वालिफाई हो गया। लेकिन उतने ही बच्चों के मैसेज इतने भी आ रहे थे कि सर मेरा नहीं हुआ और मैंने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन पता नहीं कहां पे गड़बड़ी रह गई। मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी थी, मैंने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या कारण रहा है उसके बारे में बात करूंगा। लगातार पिछले 2 दिनों से सबसे ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज आए, उतने ही वो भी मैसेज आ रहे हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन और मेंस की तैयारी के लिए मुझे वीडियो बनाना था, लेकिन मैंने प्रायोरिटी उन बच्चों को दी है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। उन बच्चों के लिए मेरा इस समय ये वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गलती कहां पर हुई है उस गलती को पकड़ना और साथ ही साथ सुधारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस समय आप इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखेंगे, क्योंकि गलती हुई है ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। तो यहां पे बात करते हैं सबसे ज्यादा इस समय बच्चों के क्वेश्चंस क्या है, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस क्या है उनके बारे में। सर मैंने तो बहुत किया, लेकिन पता नहीं कैसे रह गया, कैसे गलती हुई समझ में नहीं आ रहा। सर सिर्फ परसेंटाइल के अंदर पॉइंटों से रह गया। कितने से रह गया? पॉइंटों से रह गया। अगर ये पॉइंट भी होता तो मेरा नंबर 100% क्वालिफाई में जाता। सर सबसे ज्यादा जब रिपोर्ट कार्ड आया तो एक चीज सबसे ज्यादा देखने को मिली, वो है माइनस मार्किंग, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सबसे ज्यादा हो गई। मुझे पता ही नहीं था कि मैंने तो यूट्यूब पे देखा था कि मेरे इतने सही हो रहे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ये माइनस मार्किंग कहीं ना कहीं डुबा गई। अब बताते और क्या। सर मैं थक चुका हूं, मेरा दिल टूट चुका है, अब तो तैयारी करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है, क्या करूं और क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने वाला, सर पता नहीं मेरा क्यों नहीं होता है, मेरे साथ वाले का हो गया, मेरे साथ वाला जो टीएनसी में लगातार टेस्ट दे रहा था उसका तो हो गया, लेकिन मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका भी कारण मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने कहां पे गलती की है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, जो बच्चे हिम्मत रख रहे हैं और जो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ गलती तो हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय यह भी क्वेश्चन है, सर अब क्या पढूं कि नॉर्थसेट 6.0 में सिलेक्शन हो जाए, साथ ही साथ आने वाले समय में एससीपीजे लग रहे हो, यूपीपीएससी और न जाने कितनी सारी भर्तियां आने वाली है, उन सब में मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सर फैमिली का प्रेशर इतना ज्यादा है। हमेशा घर से कॉल आता है कि क्या हुआ, अरे अड़ोसी पड़ोसी बोल रहे कि क्या हुआ, अरे ये इतनी सारी चीजें हो रही है रोजाना। और जो जलाने वाले लोग है ना, वो स्पेशली अभी इसलिए फोन कर रहे हैं कि क्या हुआ तेरा नॉर्थसेट प्रीलिम्स में, बता स्कोर कार्ड बता, ऐसे ऐसे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं।
चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन सबको जवाब मिलेगा, उन सबको जवाब मिलेगा कि हां तूने उस समय मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं भी एक जिद्दी इंसान हूं, करके बताऊंगा और सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा, लेकिन समय आने पर जवाब देंगे। ये सारी की सारी बातें करने वाले, ये सारे क्वेश्चंस आप ही लोगों के क्वेश्चंस हैं और ये कॉमन ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे बच्चों के सिमिलर क्वेश्चंस हैं, इन पे मैं आज बात करने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। यहां पे मैं लगातार ये फोटो लेके आया हूं जो कि टीएनसी के टॉप स्टार हैं और उन सभी के सिलेक्शंस की कहानी के बारे में बात करने वाला हूं कि इन सभी ने क्या गलती की थी और कौन सी गलती सुधारी, उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद उनका सिलेक्शन होना। यहां पर सबसे बड़े हेडिंग में आपको लेके आया हूं कि सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं स्टूडेंट, सबसे बड़ी गलती आपसे क्या हो जाती है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं और साथ ही साथ आज बहुत ही जबरदस्त ट्रिक देने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को बदल के रखने वाली है। आपको यहां पे बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा, उसके बारे में भी बात करूंगा। यहां पे बहुत सारे लोग इस समय ये सोच रहे होंगे जल्दी जल्दी बता दो, भैया जल्दी जल्दी आपने पेशेंस नहीं रखा। सबसे पहली बात, पेशेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता है, आपको एक पेशेंस रखना जरूरी है। इस वीडियो में भी आपको पेशेंस रखोगे 101% एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटजी लेके जाओगे। बात करते हैं कि शुरुआत कहां से की जाए। शुरुआत जैसे कि हमेशा हम एक कोटेशन के माध्यम से करते हैं और आज भी एक शुरुआत एक कोटेशन के माध्यम से होगी और वो कोटेशन क्या है यहां पे आपके सामने। एक विजेता भी इतिहास में कभी ना कभी तो जरूर हारा है। क्या करता है, एक जो आप देखे ना ये आपका साथी सिलेक्ट हो गया, वो भी कभी ना कभी जरूर हारा है और फिर भी वो इतिहास रच देता है क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारता है। कहने की लाइन देखो कितनी जबरदस्त लाइन लिखी है, एक विजेता भी इतिहास में कभी ना कभी जरूर हारा हुआ होता है पर फिर भी वो इतिहास रच देता है क्योंकि वो कभी हार नहीं मानता है। यानी विजेता जो आपके सामने आपको जो आज दिखते ना कि यार ऐसा क्वालिफाई होगा, उसका क्वालिफाई होगा, उसका क्वालिफाई होगा, अरे भैया एक बार उनकी मेहनत को देख, क्या तुम्हारी मेहनत उसके सिमिलर थी, क्या उन्होंने उसके बारे में देख, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक बार तो हार का सामना किया होगा, उनको वो भी उन्होंने भी वो आज जो तुम फेस कर रहे वो भी उन्होंने भी फेस किया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, कभी हार नहीं माना है और हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना है। कोई काम कितना भी कठिन क्यों नहीं हो, अरे ये तो नॉट सेट हो, इससे बड़े बड़े काम, इससे बहुत ही जबरदस्त और इतने बड़े टास्क काम, कोई भी काम कितना भी कठिन क्यों ना हो जिद और दृढ़ विश्वास से पूरा किया जा सकता है। अगर आपके अंदर जुनून है ना भैया, जुनून है तो सब कुछ संभव है। बहुत जरूरी है, मैं आज इंपॉर्टेंट बातें करना आया हूं। यहां पे मैं आज आपको ऐसी स्ट्रेटजी लेके जाऊंगा जो कि आपको यूट्यूब के इतिहास में नहीं मिलने वाले। आएंगे लोग, बातें करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन ये स्ट्रेटजी दिल से निकल रही है और साथ ही साथ लगभग 20+ की एक्सपर्ट्स टीम की स्ट्रेटजी और टॉपर्स की स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा इस समय आपको जरूरत है। गलतियां कहां पे करते हैं यही बताने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी तारीफें तो हमेशा लोग बहुत लोग करते होंगे, लेकिन मैं आज तारीफ करने नहीं आपकी गलतियां बताने आया हूं कि गलतियां कहां पर होती है। आज बात करते हैं इस भाई साहब की, एक आपको यहां पर बाबा जी दिख रहे होंगे, बाबा जी नहीं है ये एडिसन है, थॉमस एडिसन। भैया मेहनत क्या होती है इनसे सीखे, एक बल्ब का इसका जो आप है ना आज बैठ के पढ़ रहे हो आप देख रहे होंगे यार एलईडी लगा लो, वो बल्ब लगा लो, ये लगा लो, यहां पे ये उजाला, रात भर जिस उजाले में आप पढ़ रहे हैं ना उसके पीछे की कहानी जरूर जाके देख रहा। भैया 1000 बार फेल हुए, कितनी बार, 1000 बार फेल हुए और उसके बाद बल्ब का आविष्कार किया है। अरे यार आपने तो एक फेलियर जला और उसमें रोने बैठ गए कि यार मेरा ये नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। अरे 1000 बार हिम्मत को देखो, हिम्मत, अरे इतिहास रचा है जिंदगी में, वो नाम कर दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। आपको क्या लगता है ये जो मैं सामने आपके स्क्रीन के सामने बोला क्या मेहनत नहीं की होगी, मेहनत की है, रात दिन मेहनत की है। जो आप टेस्ट लगातार टीएनसी को देख रहे हैं पिछले 5 साल तक रात को 3 बजे तक मेहनत का परिणाम है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ती है और मेहनत के बिना नहीं बनती है कहानी, इतिहास रचना पड़ता है। और इसने 1000 से ज्यादा अधिक आविष्कार किए तब जाके एक बल्ब का आविष्कार कर पाए। यार मेहनत लगती है और इस मेहनत के बिना कुछ भी इस दुनिया में संभव नहीं है। एक छोटा सा आप प्रीलिम्स में नहीं हो पाया तो रोने लगे, अरे भैया रोना नहीं है, रोना नहीं है,
मैनेज करनी है। आज मैं आपके सामने एक आंकड़ा लेके आया हूं और इस आंकड़े को देख के आप खुद सोचेंगे कि होने वाला क्या है। यह आंकड़ा नॉर्सेट 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और 5.0 का आंकड़ा है। आज आपके सामने बहुत जबरदस्त आंकड़ा लेके आया हूं। अब आप सोचना कि नर्सिंग के अंदर कितना आसान है नौकरी लेना, कितना आसान है नौकरी लेना, उसके बारे में बात करेंगे। टोटल बच्चे कितने होते हैं, कितनी सीट आती है और कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद में आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि सबसे बड़ी गलती कहां पर होती है बच्चों की। अगर मैं बात करूं कि नॉर्सेट 2020, 21, 22 और 23, अगर मैं बात करूं 20, 21, 22 और 23 और 24 की, तो इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो बच्चे सेलेक्ट क्यों नहीं होते, बच्चे सेलेक्ट नहीं होते और उसके अंदर फॉर्म कितना आता है। 2024 का जो आंकड़ा अभी लेके नहीं आया, जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया, उसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले 90,000 लोगों ने फॉर्म भरा और उसमें क्वालिफाई हुए 12,856। अगर मैं सबकी बात करूं कि सीट्स कितनी है, तो लगभग 3,500 एवरेज सीट सब में आई है। सब में इतनी सीट आती है, किसी में ज्यादा आई, थोड़ी सी कम आई है, लगभग इतनी सीटें, मैं एवरेज का आंकड़ा लेके चलूं तो सब में आई है। अब आप सोचो कि यार 1 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, और 1 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं उसमें सिर्फ एंड सिर्फ क्रीम होती है ना वो 25,000 ही है। 22,000 बच्चे पढ़ने वाले हैं, बाकी तो आप 75,000 का तो कंपटीशन साफ है, कोई मतलब ही नहीं है, बच्चे मेहनत ही नहीं करते। वो बच्चों के लिए आज ये वीडियो है कि वो आज याद रखे कि क्या गड़बड़ी होती है। आप 25,000 में आए और उसके बाद अगर आपने यहां पे अपना स्थान बना लिया तो समझो आपका बेड़ा पार होने वाला है। यहां पे अगर बात करूं तो 20,000 के करीब इस बार भी अगर बात करें तो बच्चे, इस बार की बात करें तो 2023 5.0 में भी इतने ही बच्चे हैं। ये 4.0, ये 3.0, ये 2.0, ये 1.0, इतने सारे एम्स के अंदर इतनी भर्तियां आ रही है, लेकिन आप फिर भी विजय नहीं हो पा रहे। सोचिए एक बार, कंपटीशन कितना है। कंपटीशन सिर्फ 1 लाख बच्चों का है और उसमें से भी क्वालिफाई जो कैंडिडेट्स है वो सिर्फ एंड सिर्फ 12, 17, 19, 26, 20, मैं तो आंकड़ा 25 का मान लेता हूं। कितना मान लेता, 25,000 बच्चों का क्वालिफाई लिस्ट में नाम लेके आना है और उसमें से भी लगभग अगर बात करूं तो 3,500 बच्चे हर साल सेलेक्ट हो रहे हैं। यानी अगर मैं सीधी बात करूं तो अगर यहां से एक रेस लेके आऊं तो 6 से 7 बच्चों का कंपटीशन है, ये तो बिल्कुल नगण्य कंपटीशन है, जीरो कंपटीशन मानूंगा। आप अगर जाके देखें एसएससी का कंपटीशन देखें, नीट का कंपटीशन देखें, आप बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं, पटवारी के, आईएएस के, आरएएस के जो एग्जाम होते हैं, आप कोई भी यूपीएससी, आप कोई भी पीएससी या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती उठा के देख लीजिए, हजारों बच्चों के बीच में एक सीट आती है, कितने हजारों बच्चों के अंदर एक सीट आ रही है और यहां तो सिर्फ 6 से 7 बच्चों के अंदर आपको सेलेक्ट होना है। और मेहनत, आप इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अरे क्यों नहीं होंगे सेलेक्ट, होंगे 101% सेलेक्ट होंगे, लेकिन गलती क्या होती है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आसान है दुनिया का सबसे इजी कंपटीशन है तो नर्सिंग के अंदर है। आसान है नौकरी लेना तो सिर्फ एंड सिर्फ नर्सिंग के अंदर आसान, और कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पे इतनी आसानी से नौकरी ली जा सकती है। बहुत ही सबसे इजी कंपटीशन अगर पूरे भारत में बोलूं तो यहां पे है, वो है सिर्फ एंड सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर का कंपटीशन, जो कि आसानी से सेलेक्ट होया जा सकता है। और इसमें भी बोल रहे हैं, अरे सर मैं तो ये कर दिया, अरे काहे का ये, उसको कुछ मेहनत मेहनत और मेहनत कैसे होगी उसके बारे में बात करूंगा। आज मैं आपको बहुत ही जबरदस्त चीजें बताने वाला हूं। भैया बुरा लग सकता है, यहां पे बुरा लग सकता है, लेकिन चीजें मैं वही बताऊंगा जो सत्य चीजें होगी, जो सच चीजें होने वाली है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी बच्चों की ये सवाल है, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और उसके जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहले जवाब मैं आपके साथ लिख के लाया हूं। अरे भैया सबसे पहले तो अपने आप की गलती को एक्सेप्ट करना सीख लें। और भैया गलती तो की है, क्या की है, गलती तो की है, एक्सेप्ट करना सीखे। अरे आप ये बोलते हो सर मैंने ये किया, मैंने बहुत बढ़ाई की, अरे एक बार सोचो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक्सेप्ट करो, हां नहीं हुआ गलती है तो है, इसको मानना पड़ेगा। खुद की कमियों को आप ऐसा नहीं कि आप रेशनलाइजेशन यूज करें, एक्सेप्ट करें कि हाँ कहीं ना कहीं तो मेरे से वो बेटर है जिसने, उसने मेहनत की है, कहीं ना कहीं मेरे से ज्यादा मेहनत की है
उसका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हुआ है, और आगे भगवान से दुआ करो कि उसका मेंस में भी होता है, कम से कम वो कंपटीशन तो कम हो। ये चीज हमेशा आपके माइंड में सकारात्मक एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमेशा आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद उसकी ये चीज नोटिफाई करो कि यार कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, उस गलती को कैसे सुधारना है, उसके बारे में काम करना सीखे। उसके बाद गलती कहां पर हुई है, बिल्कुल आपको एक बार आराम से, ये बहुत बच्चे होते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने मेहनत की। अरे भैया एक बार कूल माइंड से सोचो कि गलती कहां पर हुई है, उसके ऊपर काम करना शुरू करो। आप जो चला गया है, पास्ट हो गया है, उसके ऊपर आप बार बार उसको चीजों को सोच के फ्यूचर को खराब नहीं करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हमें ये गलती नहीं करनी है, रिपीट गलती नहीं करनी है, उसके ऊपर काम करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। और चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, आपको YouTube पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग YouTube पे भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके बगल बगल में भी मिलेंगे। अरे तेरे से तो यार तू करता क्या, पढ़ता है लेकिन इस तरह होता ही नहीं है, तू करता क्या, अरे यार तू इतना कर दिया। फैमिली का प्रेशर होगा, साथियों का प्रेशर होगा, और आपकी जो कम्युनिटी है उसका भी प्रेशर होगा। लेकिन याद रखना, यहां से स्ट्रांग होना है सबसे बड़ी बात, इस समय स्ट्रांगनेस यहां से लेके आनी है भैया। नेगेटिव लोगों से हमेशा हमेशा दूर रखना है। अब बात करते हैं कि लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, 101% करेंगे, और आपके ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे जो कि आपको दिल को चुभेंगे, यहां पर भी चुभेंगे। लेकिन याद रखना, ये उस समय जवाब देने का सही समय नहीं है, जिस दिन सही समय होगा उस दिन उनको जरूर जरूर जवाब देंगे, ये हमेशा याद रखना। सबसे बड़ी बात, ये लोगों की आदत होती है कि वो खुद से मोटिवेट होना है, आपको यहां पे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, सेल्फ मोटिवेशन याद रखना, हमेशा हमेशा लाइफ में जिसने रखा है वो आगे गया है। ये बहुत ही खतरनाक चीजें बता रहा हूं, बहुत ही कंक्लूजन पॉइंट बता रहा हूं। आप बहुत सारी चीजें ऐसे ये चीजें क्यों बता रहे, लेकिन ये चीजें आपकी लाइफ में परिवर्तन लेके आने वाली है। ये चीजें अगर आप इस वीडियो को लास्ट में देखेंगे तो ऐसे सॉल्यूशन लेके चले जाओगे आज तक आपको किसी ने नहीं दिए। तो आपको खुद से मोटिवेट होना है और मन में ठान लेना है कि भैया सिलेक्शन तो लेके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माइंड में ठान के बैठ जाए, सिलेक्शन तो होगा ही होगा, 80,000 की नौकरी होगी होगी, चाहे वो आज नहीं है तो आने वाले प्रीलिम से, आने वाले जो अप्रैल के अंदर है उसके अंदर होगी, केजीएमयू के अंदर होगी, यूपीपीएससी के अंदर होगी, चाहे कोई भी सेंटर की भर्ती होगी। 80,000 की नौकरी लिए बिना चैन की सांस तो नहीं लूंगा, कुछ भी हो जाए मेहनत करूंगा और जबरदस्त मेहनत करूंगा, ये हमेशा हमेशा अपने माइंड में बैठा है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, उसके बारे में बात करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना आया, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आज आपको ये एहसास हो जाएगा कि यार हाँ यार ये गलती तो मैं कर रहा था, अब मुझे पता लगा कि मेरी गलती क्या है। आज आपको ये सच बताने में आया हूं, आपके अंतर आत्मा के अंदर आपको झांकने की जरूरत है, और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है मेरी कुछ कड़वी बातें लगने लग जाए, लेकिन आपको ये कड़वी बातें आपके सिलेक्शंस के लिए जरूरी है। आपको आज यहां पे बहुत सारी चीजें मिलेगी। आज हम बात करेंगे कि सर सबसे बड़ी गलती होती क्या है, उसके बारे में बताओ, हम गलती कर क्या रहे उसके बारे में बात करते हैं, और वो गलती यहां पर मैं आज लिख के लेके आया हूं। और वो सबसे बड़ी बात, आज अपने अंतरात्मा से एक बात पूछे, आप अपने अंतरात्मा से पूछे कि यार जब आप मेहनत कर रहे हैं, आपको नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद या नर्सिंग कंप्लीट कर रहे हैं, आपने लगातार कंसिस्टेंसी कितने दिन बनाई, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बच्चे, मैंने हजारों बच्चे देखे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। एक क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि पहला क्वेश्चन आपसे है कि कंसिस्टेंसी कितने दिन रखी थी, कितने दिन कंसिस्टेंसी रखी है, ये खुद से पूछे। आप इस वीडियो के माध्यम से खुद से पूछे कि कंसिस्टेंसी कितने दिन रखे। बिगेस्ट मिस्टेक है स्टूडेंट के साइड की, सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी है ही नहीं। अरे भैया सबसे पहले मेहनत, मेहनत और मेहनत, लेकिन मेहनत के साथ एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी। एक दिन की मेहनत से सफलता नहीं मिलती दोस्त, एक दिन की सफलता, आप कई बच्चे ऐसे, सर मैंने तो लगातार मेहनत की है, अभी पता चल जाएगा। अभी यहां पे बहुत सारे, मैं किसी को यार डीमोटिवेट करने नहीं आया, लेकिन काम की चीज बताने आया, बहुत ही
सबसे बड़ी अगर आपका सिलेक्शन बोल रहे मेरा किस्मत नहीं था, वो 1% होता है, सिर्फ 1%, 99% आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी सफलता। 1% मैं मानता हूं, मैं भी इस चीज को मानता हूं कि किस्मत 1% किस्मत का हिस्सा जरूर होता है, लेकिन 99% आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है 99% आप कभी कभी फेल हो सकता है, लेकिन 1% बार बार नहीं होगा, बार बार 1% अपना रोल नहीं निभाएगा, और 99% थोड़ा सा और गया तो 100% में तब्दील होता है। तो याद रखना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कंसिस्टेंसी। हम आज पूरे जोश के साथ इस वीडियो को देखने के बाद, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ ये सोचेंगे कि सर आज के बाद में बहुत जबरदस्त पढ़ूंगा। भैया आज से पढ़ूंगा। अब आज से तो पढ़ूंगा, लेकिन कब तक पढ़ेगा ये भी तो बड़ी बात है ना, कब तक पढ़ेगा ये भी तो बड़ी बात है। आज अपने जोश में ये बोल दिया कि मैं तो ये करने वाला हूं, लेकिन ध्यान रखना ये जोश एक दिन का नहीं, लगातार बना रहना जरूरी है, लगातार बना रहना है। ये अगर आप सिलेक्शन से लेके जाना चाहते हो और आप सिलेक्शन चाहते हो, तो मेरी इस बात को जरूर जरूर नोट कर लेना, आपका जिंदगी में सबसे टॉप रैंकर बनेंगे, ये मेरा वादा है। आज आपने कंसिस्टेंसी बनानी, सबसे बड़ी बात, आज से सर मैं लगभग रोजाना 6 घंटे पढ़ूंगा। भैया पढ़ना ही है। आप ऐसा नहीं, अरे आज मेरे घर पे काम हो गया, आज मेरे दोस्त का फोन आ गया, अरे आज उसका फोन आ गया, आज सोना बाबू का फोन आ गया, आज इंस्टाग्राम चला लेता हूं, आज फेसबुक देख लेता हूं, आज रेस्ट कर लेता हूं। ना भाई, ये गलती नहीं। अभी ये आपके माइंड में फिक्स बनाए, रोजाना पढ़ूंगा तो 6 घंटे पढ़ूंगा। ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पे लगता है कि यार ये तो आज तो नहीं हो पाएगा, वो अलग बात है। जहां पे आपने मेहनत की कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई कि मैं आज नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसमें भी याद रखना कि आज के जो 6 घंटे वो जो मेरे ड्यू रह गए हैं, आने वाले दिनों में मैं पूरा करूंगा। कंसिस्टेंसी के साथ चलना जरूरी है। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, नर्सिंग की सबसे बड़ी गलती, 1 दिन पढ़ते 3 दिन रेस्ट करते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं 6 दिन रेस्ट करते हैं, 5 दिन पढ़ते हैं 10 दिन रेस्ट करते हैं। अरे कर क्या रहे हो, कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं। कंसिस्टेंसी के बिना इस दुनिया में कोई भी काम सफल नहीं हुआ, लगातार चलना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे लगातार 5 साल तक 3 बजे तक मेहनत करने के बाद आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, और मैं तो आपको बोल रहा हूं, आप सिर्फ अगर प्रेशर से तो 1 साल की मेहनत कीजिए और 100% 80,000 के मालिक बन जाइए। ये मैं आज इस मंच के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं कि अगर आप 1 साल तक लगातार अगर फ्रेशर्स हैं और मेहनत कर लेते हैं तो सिलेक्शन श्योर है। और अगर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने पहले से कोचिंग कर ली है, रिपीटेड है, और सिर्फ 6 महीने तक आपको जी जान झोंकने की जरूरत है, गारंटी के साथ सिलेक्शन होगा। ऐसे ऐसे बच्चे देखें जिनको कुछ नहीं आता था, लेकिन जिन्होंने जोश यहां पर ठान लिया ना, सिलेक्शन हुआ है, और वो गारंटी के साथ होता है। आज मैं पूरी खुलकर चर्चा करने वाला हूं, पूरी जोश के साथ आया हूं। आज मैं आपको ऐसी चीजें बोलने वाला हूं, कड़वी चीजें बोलने वाला हूं, जो आपको शायद दिल तक पहुंच सकती है और चुभ भी सकती है। तो माफ कर देना दोस्त, माफ कर देना, क्योंकि आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमने ठान रखी है। हम ऐसी बातें बोलेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन होना हमारे लिए प्राइम एम है। योर सक्सेस इज आवर कंसर्न, और ये सच बातें बोल रहा हूं। क्या बोला, सच बातें। कोई नहीं बताएगा बच्चा। मीठी मीठी बातें करने वाले हजारों बंदे मिल जाएंगे, कड़वी बात बोलने वाला मिला है आज आपको, मिला है और आपको बोल के ही जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको सच बता रहा हूं, ये सारी चीजें सच है। कंसिस्टेंसी किसी की जिंदगी में नहीं है तो सिलेक्शन की उम्मीद मत करना भैया, कंसिस्टेंसी बनानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी अगर आपने आज बना ली, तो आपका सिलेक्शन मैं लिख के देना होगा, और आने वाले मैं बोलूंगा 5 साल तक इतनी भर्ती आएगी, 5 साल, 1 साल नहीं, 5 साल तक इतनी भर्ती आएगी, और इतना तो इंतजार आपको करना ही नहीं है, सिर्फ छह महीना इंतजार करना है, सिलेक्शन होगा ही होगा, मैं वादे के साथ बोल रहा हूं। सबसे पहली गलती, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती साहब, बिना कंसिस्टेंसी सिलेक्शन नहीं होता भैया, कंसिस्टेंसी के बिना सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, लगातार चलना पड़ेगा। और आप एक अपना एक फिक्स टारगेट बना ले, मैं रोजाना इतने घंटे पढ़ूंगा, भैया कुछ भी हो जाए, पढ़ना ही है।
हमेशा ये चीज याद रखना है। दूसरी बात आती है कि सबसे बड़ा सफल होने के लिए क्या चीज की और जरूरत है नर्सिंग के अंदर, वो है भैया प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप अगर एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं, अगर आप एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं तो ये चीज जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको इन दो गलतियां, ये सबसे बड़ी जिंदगी की गलतियां हैं, आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, दूसरी आप कंसिस्टेंसी मेंटेन भी करते हैं तो प्रॉपर वे में प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप भले ही कितने थ्योरी में एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में आपके ऊपर जो एंजाइटी है, जो प्रेशर्स है और जो आपकी स्पीड अगर प्रॉपर वे में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। भले ही पेपर बिल्कुल हटके आ गया हो, लेकिन आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपने रोजाना मेहनत कर रखी है तो सिलेक्शन होगा ही होगा। और टीएनसी के साथ अगर आपने मेहनत की है, रोजाना कंटिन्यूसली एग्जाम दिया है और बेस्ट कंटेंट को आपने ज्ञान किया है तो आपका बेड़ा पार है। आप बोलते हैं ना टीएनसी सबसे ज्यादा सिलेक्शन कैसे होता है, आज मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, सबसे ज्यादा होती है प्रैक्टिस करना और साथ ही साथ बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतनी टीएनसी की टीम मेहनत करती है। जब दोनों लोग मेहनत करते हैं तो हमेशा टॉपर्स बनते ही बनते हैं, ये याद रखना। अब बात करते हैं कि सर ये तो बात सही है, ये तो मेरी गलती है कि हाँ हम लोग मेहनत तो उतनी नहीं कर पा रहे, हम लोग उतनी मेहनत तो नहीं कर पा रहे, गलती तो हमसे होती है। ये बात तो आज आपको आपने दिल से पूछ ली, आज आपको फील तो हो रहा है भैया। ये चीज तो आप खुद मान लें कि सर मैंने कंसिस्टेंसी के दोनों में एक चीज तो प्रैक्टिस तो खूब की, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं की सर, कभी करता था कभी नहीं करता। यही तो मरवा गई। सबसे बड़ी गलती में मैंने इन दोनों चीजों को इंक्लूड किया है, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस। अब बात करते हैं कि इस समय मार्केट यानी आपके अंदर जो बच्चे बैठे ना, जो आप इस समय मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस समय मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, उसमें से तीन टाइप के बच्चे, कितने बच्चे, तीन टाइप के बच्चे हैं, उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले वो बच्चे जो इस समय रिपीटेटर्स हैं, यानी 5.0 के अंदर उनको सफलता नहीं मिली है और वो इस समय वो सबसे ज्यादा दुखी है, तो ये वाले बच्चे दुखी है। अरे सर मैंने मेहनत तो खूब की थी, पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा हूं लगातार पूरी जी जान झोंक रहा हूं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं झोंक रहा हूं। ये आज आपको इस वीडियो में देखने के बाद पता लग रहा होगा कि हाँ यार ये सर ने 2 चीजें बताई थी लेकिन मैं तो ये चीजें कर नहीं रहा था, ये तो मेरी सबसे बड़ी गलती है, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। दूसरी टाइप के बच्चे रनिंग, जिनकी कोचिंग रनिंग चल रही है और ऑफलाइन हो या ऑनलाइन वो कोचिंग कर रहे हैं और उनका भी इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है। तीसरे बच्चे जो आने वाले नेक्स्ट 2 सेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में है और या सेकेंड ईयर से ही मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है उसके बारे में बात करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि सर इतने जोर जोर से चिल्ला के क्यों बोल रहे हैं, अरे भैया जरूरी है, कड़वी बातें प्यार से नहीं बोली जा सकती, उसके लिए जोर से चिल्लाना पड़ता है, कड़वी बातें चिल्लाने से ही बाहर आती है। अब बात करते हैं कि हाँ रिपीटेटर्स, इस समय जो रिपीटेटर्स है या आफ्टर कंप्लीट कोचिंग जो बच्चा अभी कोचिंग कर चुका है उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या सजेशन रहने वाला है, उसके बारे में बात करने वाला हूं। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या चीज होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के लगातार बोलाते हैं कि सर मैंने वहां से कोचिंग की, मैंने यहां से कोचिंग की, क्या मुझे फिर से कोचिंग करनी चाहिए क्या, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या मुझे फिर से कोचिंग करनी चाहिए क्या। मैं आपको ये बोलूंगा, सारे गुरुजनों का मैं रेस्पेक्ट करता हूं, सारी कोचिंग अच्छी है, आपने एक बार जहां से कर ली वो बेटर है, मान लो बेटर है, आप अपने माइंड में फिक्स कर लो कि हाँ यार वो अच्छी है, आपने जितने जो भी गुरुजन ने पढ़ाया वो बिल्कुल अच्छा है, एक बार फर्स्ट एंड लास्ट वही कोचिंग होनी चाहिए। आपको बार बार शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, इधर 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 भागने की जरूरत नहीं है, ये लाइन कोई नहीं बोलेगा, बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको बार बार ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, अरे यार बुराई करते हुए मिलेंगे वहां पे, अरे किच नहीं वहां पे, अरे मैं, अरे यहां से पढ़ो ना, यहां ऑफलाइन बैठो, बहुत फायदा। गलती मत करना, एक बार कोचिंग कर ली भैया फिर से कोचिंग करनी नहीं है, आपने एक बार कोचिंग कर ली है वो बेस्ट है, जहां से की वहां से बेस्ट है, टीएनसी से की तो बहुत ही जबरदस्त बेस्ट है। अब बात करें नेक्स्ट, हम बात करें क्या करना है नेक्स्ट, आपको रिपीटेटर से तो सेल्फ एंड जो आपने नोट्स बनाए हैं उस पर फोकस करना है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज जो आपने बनाना है मिस्टेक बुक, रोजाना जो गलतियां कर रहे हैं
उस गलती को सुधारने की जरूरत करें और साथ ही साथ मिस्टेक बुक बनाते रहें। ये आपका सबसे बड़ा जो बुक होने वाली है वो है मिस्टेक बुक। नेक्स्ट बात करें कि सर आप ऑन नेक्स्ट क्या करें, आपको इस समय सबसे ज्यादा थ्योरी आपने पढ़ ली है तो सबसे ज्यादा 80-20 की रेशियो में एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। 80% क्या करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है और 20% आपको थ्योरी जो आपने पढ़ी है उसको भी साथ साथ रिवाइज करते रहना है। सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात करते हैं सर और क्या पढ़ें, बेसिक बुक्स को पढ़े कि नहीं पढ़े। बिल्कुल बेसिक बुक्स कंटिन्यू रखने वाले हैं और मेरी तरफ से अगर पूछे तो मैं आपको पीआर यादव के बारे में बोलूंगा। बहुत सारे बच्चे टाइगर हाई को भी मान रहे हैं, जो आपको अच्छी लग रही है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने यहां पे आपको जो लिखा है वो मैंने बता दिया मेरी तरफ से। आप बात करते हैं कि नेक्स्ट और क्या करना है सर, एक चीज और याद रखना है, हमेशा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर को कभी भी भूलना नहीं है। टीएनसी आपको 101 रुपए में सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर, नॉर्थ सेट, ईएसआईसी, डीएसएसबी, जितने भी एमएससी के पेपर है, साथ ही साथ जितने भी इंस्टीट्यूट के जो पेपर हो रहे हैं, लगभग 115 से ऊपर पेपर जिनको आपको सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम दे सकते हैं, पीडीएफ दे सकते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर ओनली ऑन 101 रुपए में आपको दिया जा रहा है। क्योंकि आपका सक्सेस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कोई नहीं कर पाएगा, टीएनसी आपके लिए कर रही है। यहां पे इंटरनेट का चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है, उतने कम दाम में आपको दिया जा रहा है, क्योंकि योर सक्सेस इज अवर कंसर्न। छठा पॉइंट क्या है, आपको लाइव टेस्ट देना है और साथ ही साथ क्या करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है। हमेशा आप खुद का एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप सोचते होंगे कि यार सर ठीक है ये कर रहा हूं, अरे खुद के अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि यार मैं कहां पर हूं। आप ऐसे बच्चे होते सर मैं एग्जाम देने से डरता हूं, मेरे रैंक पीछे आती है ना तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। अरे भाई आज बुरा लग जाएगा, कल बुरा लग जाएगा, 5 दिन बुरा लग जाएगा, एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम देके गए और वहां पे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, किसको बोलेगा भाई, किसको बोलेगा। एक ही बार होता है नॉट सेट, और अभी तो 2 बार हो गया, तो 2 बार मान लो 2 बार नॉट सेट हुआ और दोनों में फेलियर मिला तो फिर क्या करोगे, किसको बोलोगे, कोई नहीं आने वाला, कोई सुनने वाला नहीं और वहां पे कमेंट ही सुनने को मिलेंगे। इससे अच्छा है खुद पे एनालिसिस करना जरूरी है, खुद को रोज खुद के अंदर झांकना जरूरी है, कहां गलती हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, ये सारे क्वेश्चन रोज खुद को खुद से करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तो जरूर जरूर हमेशा डेली लाइव टेस्ट सीरीज देना जरूरी है और टीएनसी के साथ लगातार चलना जरूरी है। अब बात आती है कि पर डे एनक्लेक्स 10 से 20 एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गए, सिनेरियो आ गए, सिनेरियो, अरे भैया डर क्यों रहे हो, किस बात का डर है, रोजाना मेहनत करो ना, रोजाना 10 से 20 क्वेश्चन निकालो ना। अरे भैया अभी भी मैं बोलूं तो लगभग 210 दिन की दूरी है, अगर नेक्स्ट नॉर्थ साइड की बात करें तो 200 दिन तो मान के चलो, 200 डेज दूर है। रोजाना के 20 क्वेश्चन करके देखना कितने क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद देखना तुम्हारे अंदर परिवर्तन देखना क्या होता है। तो रोजाना एनक्लिक्स के 20 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें तो 100% आपके सारे सिनेरियो कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं सर और क्या, सर मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने कोर्स भी कर लिया और भी सर मेरे फिर भी गलत हो रहा है, तो भैया वीडियो एमसीक्यू बेस्ड, वीडियो एमसीक्यू बेस्ड टीएनसी का आपके लिए रामबाण मैच है। आपको वहां पे हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा है और जरूर जरूर ज्वाइन करें, इससे आपके बहुत सारे टॉपर्स की, सबसे टॉप जो रैंकर्स हैं उनकी पहली चॉइस रही है वीडियो एमसीक्यू बेस्ड। अगर आप बोलते हैं कि सर यह नहीं ज्वाइन करना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो एक बार जरूर जरूर एडवांस सीरीज इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, एक बार देखना और पता लगेगा कि क्या कंटेंट किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, पता लग जाएगा। ज्यादा बोलने से नहीं, मेहनत करने से चीजें होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट के लिए रोजाना प्रैक्टिस जरूरी है और साथ ही साथ माइनस मार्किंग के लिए कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, एक ही इलाज है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, वही सबसे बड़ा इलाज है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। बहुत अच्छे बोलते हैं सर माइनस, अरे भैया मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो खिला दी जाए और तैयार हो जाए ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती। बहुत लोग तुम्हें ज्ञान देने को मिलेंगे, बहुत लोग ज्ञान देंगे ये कर वो कर ये कर वो कर, ना भैया ना, प्रैक्टिस खुद को ही करनी पड़ेगी, कोई तुम्हारी जगह प्रैक्टिस करने नहीं आएगा, प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी पड़ेगी, खुद की कमियां खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, कोई तुम्हें ढूंढ के रखे, हाँ इवेल्युएशन जरूर देंगे, हाँ तुमने कितनी मेहनत की है, क्या होने वाला है, कहां गलती कर रहे हो बता सकते हैं, ये सारे पॉइंट बता सकता हूं, लेकिन मेहनत
खुद को ही करनी पड़ेगी, खुद को ही करनी पड़ेगी, तभी आप सफल होंगे, वरना फायदा नहीं होने वाला है। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे। लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, और वही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, मेंटेन कंसिस्टेंसी, विदाउट कंसिस्टेंसी कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बहुत सारे, और यही सबसे बड़ी अभी इस समय सबसे बड़ी गलती है, सारे पॉइंट शायद आपने कहीं ना कहीं एक बार जरूर यूज किए होंगे, लेकिन लगातार यूज नहीं किए भैया, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। अब बात करते हैं कि सर चलो ठीक है, आप अपनी स्ट्रेटजी बताओ कि मैं आने वाले नॉर्थसेट 6.0 जो कि आने वाले अप्रैल में होने वाला है, उसके लिए मैं रिपीटेटर्स हूं और मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा आपको ये एक बॉक्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। स्क्रीनशॉट अगर आपने मार लिया है तो मैं आपको बात बताने वाला हूं कि आप अपने शेड्यूल को, अपने जो दिन के शेड्यूल को, उसको चार भागों में डिवाइड कर ले। कितने भागों में डिवाइड कर ले? चार भागों में डिवाइड कर ले, और उस चार भाग कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। आपके टाइम को जो आप इस प्रकार से डिवाइड कर लें, अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से डिवाइड करें, 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो भी चार भागों में डिवाइड करें, यह आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन बताना मेरा काम है। आप क्या करें सर, पहले पार्ट में क्या करें, थ्योरी को रिवाइज करते रहें, हमेशा इसको साथ लेके चलें, थ्योरी हमेशा रिवाइज करें। मैंने बोला 80-20 के पार्ट में चलें, 80% एमसीक्यू करें, 20% थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है वो 20% अपना जरूर जरूर यहां पे टाइम दें, हमेशा जहां से भी आपने पढ़ रखा है उस थ्योरी को रिविजन करते रहे, थ्योरी में जो नए पॉइंट ऐड होते हैं उसको ऐड करते जाए और आगे बढ़ते जाए। ये रोजाना की प्रैक्टिस होनी चाहिए, रोजाना ऐसा ही करते रहे। दूसरी आती है सर बेसिक बुक्स, बहुत लोग भूल गए थे, सीनियरी आने के बाद इन बुकों को बहुत सारा इग्नोर किया गया, ऐसा बोला गया कि यार ये बेसिक बुक तो आती ही नहीं है, आती ही नहीं है। भैया ये कभी कहीं नहीं जाने वाली, बिना बेसिक के नींव खड़ी नहीं होगी। बेसिक बुक्स को तो हमेशा पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स यहीं से निकलने वाला है, प्रीलिम्स यहीं से निकलने वाला है। बहुत लोग आएंगे, बहुत सारी बुकें आपको बताएंगे, लेकिन बेसिक बुक्स आप सभी को पता है कि नर्सिंग के अंदर कौन सी है, नर्सिंग के अंदर कौन सी है बेसिक बुक्स। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक प्रीति अग्रवाल भी ऐड कर दी गई है, ये तीनों बुक आपको आज से नहीं, आज से नहीं, जितने 10 सालों से ये बुकें चला रही है, सारी बुकें अच्छी है, मैं किसी भी बुक की यहाँ पे बुराई नहीं करने वाला, सारी बुक्स अच्छी है, बेसिक बुक्स को पढ़ना हमेशा जरूरी है, बिना बेसिक आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिना बेसिक आगे नहीं बढ़ सकते। साथ ही साथ ये चीज तो भूलना ही नहीं है, ये चीज तो भूलना ही नहीं है, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आपको एक एक क्वेश्चन पता होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से आया है, और उसी में आपको पता लगेगा कि भैया आपको पढ़ना क्या है। और ये सिर्फ 101 रुपए में आपको टीएनसी के एप्लीकेशन में सारे के सारे मिलने वाले हैं, लगभग 115 से 20 हो गए, और जितने भी आगे एड होंगे वो आपको सारे के सारे मिलने वाले हैं। तो भैया इतना तो खर्चा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सबसे कम प्राइस के अंदर यही मिल सकता है, और वहां पे एग्जाम, प्रैक्टिस, पीडीएफ, सारी फैसिलिटी और विद रेस में मिलने वाला है, तो आपको बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। सर और बताइए और क्या करना चाहिए? और तो और ये करना चाहिए, आपकी लाइफ का जो तीसरा हिस्सा है वो है टीएनसी की डेली लाइव टेस्ट सीरीज, जो कि 20+ के एक्सपर्टाइजेशन से बनाई गई है, और हमेशा इसमें पूरी जी जान चौकी जाती है, 20 साल का एक्सपीरियंस जोका जाता है और 20 लोगों का टॉपर्स का एक्सपीरियंस यहां पे लेके आया जाता है। तो एग्जामिनर क्या सोच सकता है, एग्जामिनर कितना डीप जा सकता है, कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उन सभी का समावेश यहां पर किया जाता है। मेहनत लगती है, क्या लगती है? मेहनत लगती है, और उसी मेहनत को आपको सीधा एग्जाम देने के लिए देता है कि अब बताओ आप क्या सोचते हो, ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करते हो, ये सारी की सारी यहां से आपके अंदर निखार आता है, सबसे ज्यादा निखार यहां से आता है। एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज और वीडियो एमसीक्यू जिस बच्चे ने ले रखे हैं, 101% ताल ठोक के बोल रहा हूं कि वो रैंकर्स बनेगा ही बनेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ लगातार लाइव पेपर देना आपकी जिम्मेदारी होगी, ये मैं आज भी बोल रहा हूं। अगर आपने ऐसा किया तो 101% ताल ठोक के बोल रहा हूं आप 100% सफल होंगे, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत झोंकी गई है, इतना हार्ड वर्क झोंका गया है, इतना कंटेंट इसमें डाला गया है जिससे आपको सिलेक्शन मिलना तय हो ही जाता है, और 100% आप रैंकर्स बनते हैं। अब बात करते हैं कि सर और क्या चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए, रोजाना एनक्लेक्स के हमेशा 1-10 एमसीक्यू,
तो हमेशा एडवांस स्टेज में आपको करवाया जा रहा है उनको हमेशा करते रहे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि प्रोसीजर भी धीरे धीरे साथ साथ में कंटिन्यूसली अपनी हैबिट के अंदर लेके आ जाए और प्रोसीजर हमेशा आप पढ़ते रहे। ये चार चीजें आपको लाइफ में रूटीन में लानी पड़ेगी और जब रूटीन में आ जाएगी तो आप बेड़ा पार होने वाला है। आप खुद चेंजेस देखेंगे कि यार आपका जो अचीवमेंट है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और आप हमेशा रैंकर्स बनते नजर आएंगे। ये चार चीजें स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बहुत ही गजब की चीज बताई है, बहुत ही मेहनत के बाद ये चार चीजें लगता आसान होगा कि कितना आसान है लिख देना, लेकिन इस ये चीज बहुत ही मेहनत के बाद आप तक पहुंचाई जा रही है। दूसरे प्रकार के बच्चे रनिंग कोचिंग स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को ये वीडियो लंबा लग रहा होगा लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी भैया, बहुत चीजें सीखने को मिलने वाली है, याद रखना। और ये बात करते हैं जो इस समय रनिंग कोचिंग स्टूडेंट से अभी कहीं से भी कोचिंग कर रहे हैं, चाहे टीएनसी से या कहीं अदर से भी ऑफलाइन या कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, सेम पॉइंट लिखे, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, कंप्लीट प्रॉपर कोचिंग करनी चाहिए, एक ही बार कोचिंग होनी चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट बार उसको कंप्लीट तरीके से करनी चाहिए, किसी भी प्रकार के नोट्स दूसरों से नहीं लेने चाहिए, खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, बेसिक बुक्स मैंने यहां पर भी बताया है, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने यहां पे भी बताया है, लाइव टेस्ट और सेल्फ एनालिसिस करना खुद का बहुत ज्यादा जरूरी है, एनप्लेक्स के रोजाना क्वेश्चन निकालना वही सेम बात यहां पे रखी है, टाइम मैनेजमेंट और हाउ टू कंट्रोल माइनस मार्किंग खुद से आएगी और यही चीज करना जरूरी है, कंसिस्टेंसी वेरी वेरी जरूरी है, प्रॉपर गाइडेंस का होना जरूरी है, आप कोचिंग कौन सी ज्वाइन कर रहे हैं वो आपको प्रॉपर गाइड रहे, कौन सी टीम है, एम्स की 20 प्लस एक्सपर्ट टीम है या कौन टीम है जिसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो सारी की सारी चीजें आपको सोचना जरूरी है, कंटेंट पे फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको उन लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप टाइप 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, यानी आपकी कोचिंग अभी रनिंग है और उस समय आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उन बच्चों से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो कि आप उनको पीछे रखने के लिए सोच रहे हैं कि मेरी कोचिंग कंप्लीट होते ही मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो साथ साथ में वो सारी स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी और उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि तीसरे प्रकार के बच्चे किस प्रकार के बच्चे हैं जो इस समय या तो थर्ड ईयर में है या सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, यहां पे आप प्रॉपर वे में यहां पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उन बच्चों के लिए भी स्ट्रेटजी है, जिंदगी में एक बार तो आपको कोचिंग करनी ही चाहिए, आपको फायदा मिलने वाला है। एक बार कई बच्चे होते हैं कि सेल्फ पढ़ लूंगा, भैया ज्यादा सेल्फ आप जरूर पढ़ लोगे, मैं मानता हूं कि आप सेल्फ पढ़ लोगे, आपके अंदर वो एफिशिएंसी है, आप सेल्फ पढ़ लोगे, लेकिन टाइम इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर आपका टाइम बचाता है, आपको एक्सपीरियंस देता है, वो 20 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है, तो वो चीज आपके पास नहीं मिल सकती है। एक बार हमेशा ध्यान रखना, कोचिंग करना जरूरी है, ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है, बाकी आपकी चॉइस है, खुद के सेल्फ रिटन नोट्स बनाने चाहिए, बेसिक बुक्स हमेशा कंटिन्यूअसली करने चाहिए, आपको भी प्रीवियस ईयर के पेपर कंप्लीट करने चाहिए, डेली लाइव टेस्ट ये तो आपको मस्ट है ही, ये करना ही करना है, साथ ही साथ एनक्लेक्स के क्वेश्चन आप भी निकालते रहे थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है, तो टाइम मैनेजमेंट और ये कंट्रोल माइनस मार्किंग खुद से सीखनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, आप चाहे थर्ड ईयर से हो या फोर्थ ईयर से हो, रोजाना भले आप कम 2 घंटे ही पढ़े लेकिन जरूर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े, प्रॉपर गाइडेंस होना जरूरी है और साथ ही साथ हार्ड वर्क करना बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये लगातार चीजें आपको जो करेंगे तो आपको 101% फायदा मिलेगा ही मिलेगा और मैं वादे के साथ बोल सकता हूं कि आपको फायदा मिलने वाला है। और अब बात करते हैं कि इस समय आपके लिए टीएनसी ने लास्ट में जो एक मैंने सजेशन दिया है और लगातार मेहनत करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस और फोन कॉल आ रहे हैं कि सर हाँ हम तैयार हैं, जो आपने चीजें बताई है उन सारी की सारी गलतियां हम सुधारने के लिए तैयार हैं और ये जो आपने बताई है हम रिपीटेटर्स हैं और इस बार मेहनत उसी जी जान और जोश के साथ करने वाला है, तो इसके लिए टीएनसी की पूरी टीम ने आपके लिए कोर्स का भी ऐलान कर दिया है और ये कोर्स है नेक्स्ट नॉसेट 6.0, आने वाले अप्रैल में जो आने वाला नॉसेट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी कोर्स लॉन्च कर दिया है, 21 तारीख से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, इसका शेड्यूल आपके साथ जल्द शेयर करने वाले हैं और लगातार प्री मेंस ओटी आईसीयू इमेज साथ ही साथ टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज और साथ ही साथ कंबाइंड एग्जाम सारे का समावेश यहां पे करने वाला है और एक्सपर्ट्स का एक्सप्लेनेशन आपके साथ मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर जो बच्चा फ्रेशर्स हैं उनके लिए नॉसेट 6.0 के लिए
टीएनसी ने टेस्ट सीरीज 7 के साथ रेगुलर बैच भी स्टार्ट कर दिया है ऑफलाइन और ऑनलाइन, और साथ ही साथ वीडियो एमसीक्यू बैच का भी ऐलान कर दिया है। लगातार आप चाहे तो कंटिन्यूसली यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए टीएनसी के नंबर दिए हुए 7484999051 पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, और इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज डालना है, और यहां से आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी डाल सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे हम ज्यादा एक्टिव है, तो ये आप वहां पे मैसेज करेंगे तो आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें आज मेरा बताने का उद्देश्य है। मेरी बातों से आप किसी के दिल पे भी अगर चोट लगी है या आपको बुरा लगा है तो माफी चाहूंगा, क्योंकि कड़वी बातें आज बहुत ज्यादा बोल दी है, क्योंकि ये चीजें कड़वी ही आपके सिलेक्शंस को आगे तक लेके जाएगी, और श्योर मैं बोल रहा हूं सिलेक्शंस होगा। अपने माता पिता के सपना, बहुत सारे बच्चे मेरे पास अभी भी कॉल आए, इस वीडियो को बनाने से पहले कॉल आया कि सर अब मैं आज से तैयारी नहीं करूंगा, मैं बहुत थक गया हूं। मैंने कहा कितनी बार एग्जाम दिया, कितनी बार एग्जाम दिया, सर मेरा पहला एग्जाम था। अरे वाह जी वाह, पहला एग्जाम और थक गए। अरे यार थॉमस एडिसन 1000 एक्सपेरिमेंट कर, मैं आपको इतने नहीं बोल रहा हूं, एक बार में बोल रहे थक गया। अरे क्या यार मेहनत, कहीं ना कहीं गलती रहती थी, कहीं ना कहीं गलती हुई, एक्सेप्ट करो। अरे भैया हार नहीं मानना है, हमेशा याद रखना है जीतता वही है जो कि अपना जुनून जिद और दृढ़ विश्वास पैदा होता है। एक बार जिद करो और दुनिया बदलो। महेंद्र सिंह धोनी ने ये लाइन बोली थी कि मुझे जो एग्जाम जहां पे जहां मैं प्रैक्टिस कर रहा था मुझे दो बार बाहर निकाल दिया कि भैया अरे तुमसे ये नहीं हो पाएगा। एक ही चीज है, जिद कर लेती, और यही सोच लेता कि जिद करो और दुनिया बदलो, एक दिन इंडियन टीम के अंदर मैं रहूंगा ही रहूंगा। और वो सारी चीजें आपको पता है कि आज महेंद्र सिंह धोनी किस नाम से जान रहा है। अमिताभ बच्चन को जानते होंगे जिनको अपनी वॉइस के कारण ही बाहर निकाल दिया गया। अरे तुम्हारी वॉइस अच्छी नहीं है, तुम बजाओ यहां से, भागो यहां से, ऐसी लाइनें बोल दी गई थी। लेकिन आज कौन बनेगा करोड़पति का, जो सबसे टॉप मोस्ट जो सीरियल चलता है उन्हीं का ही चलता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी और उन्होंने ही ये जिद और दृढ़ विश्वास अपना लिया था। शाहरुख खान को देख सकते हैं, आमिर खान को देख सकते हैं, और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन सब को देख सकते हैं जिन्होंने जिद और दृढ़ विश्वास से पूरी मंजिल हासिल की है। आप चंद्रयान के वैज्ञानिक को देख सकते हैं, चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था तो आपको खुद ने देखा है, आज से 3 साल 2019 में देखा था कि यहां मोदी जी वहां जाके खुद उस समय उसका उस वैज्ञानिक के साथ उसको रोते हुए रोक रहे हैं, और आज वही वैज्ञानिक आज एक बड़ा करामात और सबसे बड़ा करामात जो कि पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं करके दिखाया है वही इंडिया के वैज्ञानिकों ने कराया है। उन सभी को सलाम टीएनसी की टीम की तरफ से, और मैं आपको बोलूंगा आज आपके साथ भले ही आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन मैं आज तल ठुक के बोल रहा हूं जितने भी मैंने बातें बताई है फॉलो किया तो 100% आपको भी आने वाले समय में मेरा सलाम होगा, और पूरी की पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी कि हाँ यार रियल में आपने वो कर दिखाया। मुझे तो पहले से ही पता था ये सारी चीजें होने वाली है, लेकिन इस समय आपका यहां से मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस यानी आपको बहुत ताने मारेंगे, आपको बहुत सारी दुविधाएं आएगी, बहुत सारा प्रेशर आएगा, इवन मैं तो बोलूंगा फैमिली मेंबर का प्रेशर आएगा, आपके चाहने वाले का प्रेशर आएगा, ऐसा नहीं किया तो ये कर दूंगा, यहां घर पे आ जा, तू वहां पे उस सिटी में क्या कर रहा है, रूम लेके रह रहा है, आ जा घर पे। लेकिन ध्यान रखना आज के बाद, हमेशा ध्यान रखना मेहनत और खुद पे खुद का कंट्रोल, पेशेंस बना के रखना, सिलेक्शन होगा ही होगा। मेरा पूरा और पूरी मैं 100% वादे के साथ बोल रहा हूं ऐसा होना ही है, लेकिन खुद पे कंट्रोल रखना, खुद पे विश्वास रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हमेशा मेहनत करना। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं होगा, अपने माता पिता की तस्वीर को सामने रखना और फिर सोचना कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उन्होंने किस प्रकार से आज आपको इस लेवल पे लाके खड़ा किया उसको जरूर जरूर याद करना। तो आप मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, नई ताकत के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और लास्ट में मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।